जिसने उठाया ये बड़ा सा पत्थर और ये मार दिया और ये गाड़ी का कांच टूट गया पूरा। डर भी नहीं लग रहा, इन्हें चोरी करते हुए ये मारा। नशे में है यार ये, नशे में। दोस्तों वैसे तो हम आप सभी को गाड़ी की वीडियोस वगैरह बताते हैं, जिसमें हम मॉडिफिकेशन आपको बताते हैं कार्स वगैरह के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स। बट आज की वीडियो में हम आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं जो शोरूम के जस्ट पीछे हुआ है, और पीछे कैमरा वगैरह लगा हुआ था तो कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका है। ये बात है 15 अगस्त की, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था, और ये दिन दहाड़े हुआ है। देखो भाई, रात वगैरह का भी टाइम नहीं है, 6:02, 6:02 PM हो रहा है ये टाइमिंग, मतलब शाम का टाइम है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो लोग हैं ना, अभी इन दो लोगों की हरकतें देखना आप। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसको चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, ये काली कलर की शर्ट में ये बंदा आया है पहन के, और ये ना पत्थर लेके आया है, और ये देखो अभी ये क्या करने वाला है। ये देखो, कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब हुआ। ये चोर ना नूब थे, ये इनको मालूम नहीं है कैसे क्या करना है, इसलिए कांच में मारा, लेकिन कांच टफेन था ना तो टूटा नहीं, तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ये देखो पत्थर पैर पे गिर गया था इनके। फिर इनने कोशिश करी, स्टील की जो वायर होती है ना उससे लॉक वगैरह खोलते हैं, तो उससे ये लोग कोशिश कर रहे थे निकालने की कि ये गाड़ी का लॉक खुल जाए तो ये अंदर एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पे ये कैफ़े वगैरह भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे ये सब लोग ना अभी आ जाएंगे, सब लोग ही मिले जुले हैं यहाँ पे, ये देख भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ना कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, सब देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 से 3 लोग हो गए हैं, ये टोपी वाला एक और बंदा आ गया है जो खोलने में इनकी मदद कर रहा है गाड़ी को, और अभी इनसे इससे भी नहीं खुली है। और ये आप मतलब 5:30 बजे ये लोग आ गए थे, खड़े थे जब से हम देख रहे हैं, और 6 बजे से इनने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब ये फिर से करेगा, ये देखो, ये इसने उठाया ये बड़ा सा पत्थर और ये मार दिया और ये गाड़ी का कांच टूट गया पूरा, और इसके हाथ में भी लग गई, देख रहा है। तो देखते हैं क्या करेगा ये। देखो अंदर हाथ डाल लिया इसने, कांच के टुकड़े फेंक रहा है शायद से, ना ना कुछ और कर रहा है। अभी ये यहाँ पे लोगों से बोल रहा है, ये यहाँ पे ये सब देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अब इसने कांच वांच के टुकड़े निकाल के फेंक रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनने पीछे वाला डोर खोल लिया है यहाँ पे, अंदर एक्सेस करके, और अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, बात वगैरह कर रहे हैं ये। ये देखो बोनट खोल लिया, अब इंजन ही नहीं है यहाँ पे, गाड़ी ना रिपेयर होने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पे एमपी नगर जोन 2 में ना ज़्यादातर जो भी गाड़ी अबंडन खड़ी होती है ना, वो कुछ काम वगैरह के लिए खड़ी होती है, तो ये गाड़ी का इंजन वगैरह पूरा खुला हुआ था और बैटरी वगैरह भी नहीं थी। तो इनने सोचा था कि बैटरी या इंजन वगैरह को स्टार्ट करके ये लोग गाड़ी कहीं पर ले जाएंगे, इसी फिराक में थे ये। तो अभी इनके जो भी सोच रहे थे ये, तो ये नाकामयाब हुए उसमें। तो ये देख रहे हैं इंजन, यहाँ पे आप देख ही सकते हो इंजन वगैरह नहीं है और बैटरी भी नहीं है, तो इस टाइप से इनने अभी ये हुड इसका बंद कर दिया, और ये दोनों अभी बात कर रहे हैं। अब ये फिर से खोलने की कोशिश कर रहे बड़ी हैं। छोटी थी यार लड़की की गाड़ी। हाँ यार भाई, इस वीडियो से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जागरूक रहें, अपनी चीज़ों को इधर उधर ना खड़ी रहने दें, ज़्यादा दिन तक खड़ी भी है आपकी गाड़ी तो साफ़ सफाई रखें, क्योंकि ऐसे चोर ना 4-5 दिन आपकी गाड़ी पे नज़र रखेंगे, उसके बाद में चोरी वगैरह करने की प्लानिंग करेंगे, और ऐसा ही होगा आपके साथ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एमपी नगर तो ऐसा एरिया है जहाँ पे PCR वगैरह घूमती रहती हैं, बट 15 अगस्त का टाइम था तो PCR वगैरह ना, ये देखिए ये पत्थर है यहाँ पे। ये है पत्थर वगैरह। 15 अगस्त के दिन ना पुलिस वगैरह तो बिजी होगी ग्राउंड वगैरह। ये मारा इस बंदे ने, ये इस बंदे ने मारा, फिर से करना रिप्ले, उसको गुस्सा आ गया था। ये देखना अभी यहाँ से आएगा लपक में पत्थर। डर भी नहीं लग रहा, इन्हें चोरी करते हुए ये मारा। नशे में है यार ये, नशे में। कोई और नहीं मारा, इधर आके ये मारा कोई सी वही पत्थर। मार दिया लाल वाले। हाँ लाल वाला ही मार रहा है, इधर उधर से पत्थर मार रहा है, वो कुछ भाई एक और नहीं। वो पत्थर वाली भी बोल रहा गेट को वो तोड़ ला दे जाओ। हाँ कांच खुद का लगे होंगे हाथ उसके तोड़ हाथ दिया, में खुद का पैर तोड़ लिया उसने, पूरे से गुस्सा ही तो तब भी उसने गाड़ी नहीं चला निकाला पाया। है। पता चला इंजन ही नहीं था उसमें। मैंने नहीं, वो बैटरी निकालने के लिए कोशिश करी थी लेकिन बैटरी भी नहीं थी गाड़ी में। वो था 15 अगस्त को पीने वीने की लाइन में, हाँ हो कुछ तो मिल सकता जाए। है क्या कहना चाहोगे इस विषय में आप? इस विषय में सावधान यार, रहें, सतर्क रहें। सावधान रहें, सतर्क रहें, गाड़ी को हमेशा धोते रहें। हाँ गाड़ी को मेन तो दिक्कत यही आई थी कि हाँ उनने उनको गाड़ी यही नहीं लगा धोई कि थी, गाड़ी बहुत दिनों से बहुत यहीं दिनों खड़ी से खड़ी है, है। तो ये जो है गाड़ी
कि अबंडेंट पड़ी या तो किसी की चोरी है, क्योंकि अपन भी यही सोचते हैं हाँ कि ऐसे पड़ी रहती है, डीएल तो गाड़ी है, दिल्ली की गाड़ी वो है गुजरात की गाड़ी थी। और गुजरात की है, जहाँ की भी हो, मतलब एमपी की नहीं होती, तो सामने वाला यही सोचता है कि चोरी की गाड़ी है अगर बहुत दिनों से एक जगह अबंडेंट पड़ी है। तो उन्होंने यही सोच के, क्योंकि वो लोग अपने यहाँ पे स्नूकर्स में आते होंगे खेलने वेलने के लिए, तो रोज देखते होंगे उस गाड़ी को, जब उन्होंने पूरा देख लिया समझ लिया उसके बाद उन्होंने फिर 15 अगस्त के दिन ये सब कारनामे किए। और ये कैमरे वाला क्या था, कैमरा अपना बंद था बता रहे थे। उनको पहले शायद ये पता था, जो इसके ओनर हैं, कि उनको ये पता था कि कैमरे अपने बंद हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उनने एक आध कुछ चोरी के लिए अपन को बोला था कि भैया ये आपके कैमरे में देख लो तो ये चालू है कि नहीं चालू है, तो अपन ने उनको बोला था सर कैमरा बंद है हमारा इसलिए हम बता नहीं पाएंगे उस आपको, टाइम पे बंद उस था। टाइम पे बंद था, लेकिन फिर बीच में अपन ने सारे चालू करा लिए, अपने सारे कैमरे चल रहे हैं। उसको मालूम था कि बंद है कैमरा, हाँ इसीलिए उसको, दिन दहाड़े चोरी कर इसीलिए रहे उसने थे एक बार भी कैमरे की तरफ भी नहीं देखा। और अपने को भी आवाज नहीं आई। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। गाड़ी माड़ी बिल्कुल को साफ सुथरी रखो, सीधी बात है।